हेलो, मैं जसवीर अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको ये अंगूठे वाली सॉक्स बनाना बताएंगे। ये हमने अंगूठा बनाया है, ये पैर की शेप है, जहाँ से हमने पैर की शेप दी है, तो ये पहन कर बड़ी सुंदर लगती है। ये देखिए, हमने जहाँ से स्टार्ट की है, जहाँ से हमने इसके लिए 46 फंदे डाले हैं, ये गर्ल्स के लिए है, 18-20 साल की लड़की के लिए है, 5 नंबर के लिए है, जिसको 5 नंबर जूता आता है उनके लिए है। तो हमने जहाँ से फंदे डाले थे, फिर इसको स्टार्ट करके हमने बनाया है। हम आपको ये बनाना बताएंगे, फिर हमने उस पीस को इकट्ठा बुना है। हम आपको बता देते हैं कि हमने ऐसे फंदे लिए हैं, ऐसे 46 फंदे लिए हैं, फिर हमने सीधा ही बुना है। सीधा बुन के हमने साइडों में उल्टा उल्टा बुना है। उल्टा उल्टा बुनने के बाद जितनी लेंथ हमें पैर की चाहिए उतनी हमने रख ली है। तो ऐसे ही इसको हमने बनाया है। हमने इसको फिर वे फोल्ड हो जाती है, जितना पैर हमें चाहिए पैर को अंदर ऐसे डालते हैं उतने स्पेस हमने रख ली है, बाकी को हमने सिलाई कर दी है। अंगूठे को हमने बुना है, इसकी भी हमने सिलाई की है, ये देखिए, और ये देखिए, इसकी भी हमने सिलाई की है पैर बुनने के बाद। तो ये अंगूठे वाली जो सॉक्स होती है, ये बनकर बड़ी अच्छी लगती है। इसमें थोड़ी सी मोटी ऊन चलती है, बहुत पतली ऊन से भी बन जाती है, लेकिन आप अगर ज़्यादा पतली ऊन है तो उसको फोल्ड कर लीजिए। और ये 18-20 साल की गर्ल्स के लिए है, लड़कियों के लिए है। लेडीज़ के लिए हम एक और पेयर बनाएंगे, जो के लेडीज़ के लिए होगा, उसके फंदे हम ज़्यादा रखेंगे, और उसको कैसे बनाना है वो भी हम बता देंगे। इसकी लेंथ हम नाप के आपको बताएंगे कि कितनी लेंथ बनती है इसकी, जहाँ से लेके जहाँ तक। ये देखिए, ये देखिए, 10 इंच तक, 10 इंच तक लेंथ बनती है। जिसका पैर नीचे से 10 इंच होगा उसके लिए ये सॉक्स है। और जो गुलाई है इसकी, वो भी हम आपको बता देते हैं। 5 नंबर और 6 नंबर वालों को ये आराम से आएगी। ये देखिए, 8 इंच इसकी गुलाई है, 8 इंच गुलाई है। और जो हमने ये अंगूठा निकाला है इसका, ये 2 इंच का है, और ये भी सेम है, 2 इंच का इधर बुनेंगे, क्योंकि जहाँ से हमने डिवाइड कर लेना है। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे बनानी है। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो हमें पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमें सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को भी दबा दें, तभी आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो पहले आप ये काम कीजिए कि आप सब्सक्राइब करें। तो आज हम इसको बनाना बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर कैसे बनती है ये सॉक्स अंगूठे वाली, ये हम आपको बनाना बता रहे हैं। इसके लिए हमने ये देखिए, हमने 46 फंदे डालने हैं इसमें, 46 फंदे डालकर हमने दो लाइनें बनाई है, उल्टी उल्टी, चार सिलाइयाँ, जैसे जे बैक में आती है जे चीज। तो हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाकर सिंपल फंदे डाले हैं। फंदे हम आपको डालना बता देते हैं कि हमने फंदे कैसे डाले हैं। और हमने इसको 10 नंबर पे बनाया है, ये 10 नंबर है सिलाई, तो इस पे हमने बनाया है। तो हमने कैसे फंदे डाले हैं वो हम आपको बता देते हैं। हमने सिंपल फंदे डालने हैं, क्योंकि इसकी हमने जहाँ पे सिलाई करनी है। जी देखिए, सिंपल फंदे हम सिलाई लेंगे, एक ही थ्रेड लेंगे, एक थ्रेड से हम फंदा ऐसे बना लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक बार ऐसे करेंगे, एक ही थ्रेड से, एक थ्रेड से ही इसको हम फंदा बना लेंगे, ऐसे ऊपर से निकाला और ऐसे। इसको सिंपल फंदे कहते हैं,
जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी हमने बता रखे हैं वहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन जहाँ भी आप ध्यान से देख लीजिए। और फिर हमने ऐसे सिंपल ही फंदे डालकर उल्टा बुनना है। फर्स्ट सिलाई हमने उल्टी ही बुननी है, ऐसे ऐसे उल्टा ही बुनना है। तो हमने चार सिलाइयाँ उल्टी उल्टी इसकी बनानी है, इधर से सीधे से भी उल्टी और उल्टे से भी उल्टी, उल्टी तरफ से भी उल्टी। तो 46 फंदे रखने हैं हमने, तो आप भी 46 फंदे रखिए और ऐसे ही आपने बनानी है। दो लाइनें बनानी है, ये देखिए दो लाइनें बनाकर आपने सिंपल फंदे डालकर इसको बनाना है। और आपने क्या करना है, आपने ये वाला चार सिलाइयाँ बनाकर फिर आपने सीधा सीधा बुनना है। बीच में पांच फंदे आपने उल्टे रखने हैं, 1 2 3 4 और 5, पांच फंदे इधर उल्टे, पांच फंदे इधर उल्टे, और बीच में आपने सीधा बनाना है। सीधा बनाकर आपने ये 30 लाइनें बनानी है, उल्टी 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 साइड से पूरा उल्टा बुना जाएगा, पूरा उल्टा। तो हमारी उल्टी लाइनें आएंगी, टोटल है लास्ट वाली दो दो, वो 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30, 30 लाइनें बनानी है। और हम इंची टेप से भी नापकर आपको बता देते हैं, आपने इसकी लेंथ रखनी है 6.5 इंच। 6.5 इंच लेंथ रखने के बाद आपने अंगूठा निकालना है और पैर का भाग बुनना है, उंगलियों का। तो हमने ये देखिए ये सॉक्स जो हमने बनाई है, तो हमने इस तरफ यानी कि फर्स्ट ये इधर से बुनना शुरू करते हैं, तो इस तरफ हमने अंगूठा निकाला है, लेकिन इसका अंगूठा इधर निकलेगा क्योंकि तभी ये फोल्ड होकर ऐसे फोल्ड होकर ऐसे आएगी, ऐसे। तो इसका अंगूठा इधर निकलेगा, उल्टी साइड अंगूठा बनेगा, राइट साइड इसका उंगलियों के साइड बनेगी। तो हम 30 लाइनें बनाकर जहाँ तक आएंगे अंगूठे तक, तो हम इसको पांच पहले उल्टे बुन लेंगे, नहीं अब हम उल्टा कोई नहीं बुनेंगे, हम उल्टे फंदों को छोड़ देंगे, जहाँ तक ही हमारे उल्टे थे तो वहाँ हमने छोड़ देना है जब हमने अंगूठा निकालना है जुराब का। तो हम इसको सीधा ही बुनेंगे, ऐसे पूरा सीधा बुना, सीधा बुन के हम अंगूठे के जितने फंदे रखने हैं वो रख लेंगे। हमने अंगूठे के 18 फंदे रखने हैं, 18, 9 और 9, 18 फंदे रखने हैं तभी अंगूठा ठीक आएगा। बाकी के फंदे हमने पैर उंगलियों के छोड़ देने हैं, जो हमारी चार उंगलियां अंगूठे के साथ है उनके लिए हमने फंदे छोड़ देने हैं। तो हमने 18 फंदे इधर छोड़ने हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 17 और 18, 18 फंदों का हमने अंगूठा बनाना है। पहले हमने इधर बनाया था, अब हम इधर बनाएंगे। तो हमने इन 18 फंदों को बुनना है, अठारह फंदे हमारे हैं, 18 फंदों को ही हमने उल्टी साइड भी बुनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इन्हीं फंदों को हमने बार बार बुनना है क्योंकि हमने ये अंगूठा बनाना है।
तो हम आपको एक बार और बता देते हैं, जहीं से हमने वापस चले जाना है तो हमने इन्हीं फंदों को बुनना है। 5, 6, 7, 8 और 9, 9 फंदे हैं तो हमारा अंगूठा ऐसे आएगा। ये देखिए, जहाँ पे हमारा अंगूठा बनना स्टार्ट हो गया है, जैसे जहाँ बना है, ठीक है, तो इस साइड हमारा अंगूठा बनेगा। तो हम आपको अंगूठा 2 इंच का बनाकर दिखाते हैं। ये 2 इंच का है और 18 सिलाइयां हैं। ये उल्टी सिलाइयां हैं ना, ये 18 सिलाइयां हैं जी। ये जहाँ से 18 सिलाइयां बनाई है हमने, तो आप भी 18 सिलाइयां बनाइए, जहाँ आप 2 इंच लंबाई रख कर बनाइए। तो हम आपको अंगूठा बनाकर दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमने 18 सिलाइयां जहाँ से बनाई है, 18 सिलाइयां ऊपर बनाई है। तो 18 सिलाइयां बनाने के बाद 18 फंदे हैं, तो इनको हम ऐसे अंगूठे को बनाएंगे। तो इसको हम नाप कर भी बता देते हैं कि हमने 2 इंच बनाया है। ये देखिए, 2 इंच है। 2 इंच का अंगूठा बनाने के बाद हमने इसको बंद कर देना है। ये हमने इधर फंदे किए थे आपको बताने के लिए। तो हमने जहाँ तक, ये देखिए, हाँ, इधर को सिलाई है हमारी पूरी, तो हम इधर कर लेंगे। 18 सिलाइयाँ बनाई है हमने, तो हमने ऐसे सिलाई, 18 सिलाइयाँ होगी। अब हमने इसको बंद कर देना है। जो हमने अंगूठा बनाया है, इसको हमने टोटल फंदे बंद कर देने हैं। तो हम क्या कैसे बंद करेंगे? ऐसे 2 का 1, फिर 2 का 1, ऐसे ऊपर डाल के फंदे बंद कर देंगे। तो हम पूरा बंद करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने पूरे फंदे बंद कर दिए हैं ऐसे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे, उल्टा करके इसकी सिलाई करेंगे। हाँ, इसको हम डबल बंद करेंगे। इसको हमने सिंगल ही सारे फंदे बंद कर दिए। हम एक बार आपको बताते हैं कि हमने इसको कैसे बंद करना है, कई बार हम भी भूल जाते हैं। ये देखिए, जब हमारी 18 सिलाइयाँ हो जाएं, तो हम 9 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 फंदे बुन लिए। 9 हमारे इधर हैं, 2, 4, 6, 7 और 9। हाँ, इन फंदों को हम बंद करेंगे ऐसे। ये देखिए, 9 फंदे इधर हैं, 9 फंदे इधर हैं। हम 18 सिलाइयाँ बना ली हैं, 2 इंच अंगूठा है। अब हमने इसको दोनों को डबल बंद करना है, दोनों को फोल्ड कर लेना है अंगूठे को। फिर हमने 2 का 1, 2 का 1 करना है, पूरे फंदे नहीं घटाने हैं। तो इधर वाला फंदा और इधर वाला, दोनों का एक करना है, एक, फिर दोनों का एक, और ऊपर से निकाल देना है ऐसे। फिर 2 का 1, जैसे हम बंद करते हैं, फोल्ड करके बंद करते हैं ना, वैसे ही हमने इसको बंद कर देना है अंगूठे को। अठारह फंदे हैं तो 9 उधर कर लिए, 9 हाफ हाफ करके 18 का फिर हमने बंद करने हैं ऐसे, ऐसे हमने बंद कर देना। ऐसे बंद करने के बाद थ्रेड को हम काट देंगे, तो ये ऐसे आएगा अंगूठा। ये देखिए,
ये 2 इंच का अंगूठा है और ऐसे आएगा। अब हमने इसको बुनना है उंगलियों को, तो हम जहीं से उंगलियां बुनना स्टार्ट करेंगे। अब हम थ्रेड को जहीं से लगा लेंगे और 18 सिलाइयां ही जहां बनाएंगे, लेकिन पहले हम 10 सिलाइयां बनाएंगे, उसके बाद हम साइड की घटाई शुरू करेंगे, वो हम आपको बता देते हैं। ऐसे हमने थ्रेड लगाकर पूरा जहां तक बुन के सीधा ही बुनना है, जैसे हमने जे पैर का अंगूठा पैरों की उंगलियां बुनी है जहां से हमने बुनना है। और 10 सिलाइयां बनाने के बाद हमने जे घटाई डालनी है, 3 का 1 करते जाना है, तो ये उंगलियों की शेप आएगी। तो हम पहले ये लगाकर थ्रेड आपको दिखाते हैं और 10 सिलाइयां बनाते हैं। ये देखिए ऐसे हमने बुनते जाना है पैर को, और 10 सिलाइयां बनानी है और हमारे 28 फंदे रह जाएंगे। जे 28 फंदों को हम बुनेंगे और फिर हम उसका हाफ करके बंद करेंगे। तो ऐसे ही हमने 10 सिलाइयां बनानी है, जो 8 सिलाइयां बाकी की बनानी है हमने, वो हम घटाई में बनाएंगे। तो हम पहले 10 सिलाइयां इसकी बनाएंगे, फिर आपको घटाई पर आकर दिखाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपने सीधा बुनते जाना है, फिर इसको हम फोल्ड करके बंद करेंगे। ये देखिए 10 सिलाइयां हमने बना ली है। 10 सिलाइयां मीन्स इंची टेप से भी हम नाप के दिखाते हैं, 10 सिलाइयां, हाँ 1.5 इंच, 1.5 इंच हमने बनानी है। 1.5 इंच के बाद हमने इसकी घटाई डालनी है, तो हम हाफ में आएंगे। तो हमारे 28 फंदे हैं, तो 13 फंदे बुनेंगे पहले, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 13 फंदे हमने बुने हैं, 13 इधर छोड़ने हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 13, 2 बीच में हैं हमारे, जब 28 फंदे हैं। ये देखिए जे वाली हमने कटिंग डालनी है, ये शेप देनी है उंगलियों की। तो हमने क्या करना है, 13 फंदे इधर रखे, 13 इधर, हमने बीच वाले 3 फंदों को एक करना है। पहले हमने ए वाला फंदा, फिर ये वाला फंदा बुनना है, ऐसे बुन लिया। जो ए वाला फंदा है बीच में नहीं बुना है, उसको इधर रखना है, इसको इधर लाकर ऊपर से निकाल, जैसे हम गले की कटिंग करते हैं या 3 का 1 करते हैं, वैसे ही हमने करना है। बाकी फंदे हमने वैसे ही बुन लेने हैं। ये हाफ हाफ के फंदे हैं, तो हाफ में हमने ऐसे बुन लेना है। अब फिर हमने उल्टी साइड आना है, ये देखिए जहाँ पे निशान, यहीं पे आके हमने 3 का 1, 3 का 1 करना है, जब तक हमारी 18 सिलाइयाँ नहीं होती। रॉन्ग साइड हमने पूरी रॉन्ग ही बुननी है, कोई भी फंदे को घटाना नहीं है, ना ही बढ़ाना है, हमने सिर्फ सीधे फंदे पे ही आकर घटाई डालनी है। बारह सिलाइयाँ हमारी होगी हैं, अब ये 13वीं सिलाई है, इस पर भी हमने वहीं आकर ही घटाई डालनी है। बीच में से फंदे घटते जाएंगे और पैर की उंगलियों के फंदे कम रह जाएंगे। आज ये देखिए जहाँ हमने घटाई डाली थी, अब फिर वही करेंगे, एक फंदा जे एक जे, दोनों को हम घटाएंगे। बीच वाले फंदे को इस सिलाई से पकड़ लेंगे, इसको ऊपर से निकाल देंगे, ऐसी ऐसी कटिंग आएगी। जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये शेप दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे हमने, ये 13वीं सिलाई है, फिर 14, तो 4 सिलाइयाँ हमने ऐसे ही और बुननी है, तो फिर हम बंद करेंगे। ये देखिए हमने कटिंग कर ली है जहाँ से घटाई डाल के, अब हम इन फंदों को बंद करेंगे, लेकिन पहले हाफ करेंगे,
2, 4, 6, 8, हाँ 10 फंदे हम बुनेंगे, 20 फंदे हैं टोटल। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 फंदे जे हैं, 10 जे हैं, इनको हम ऐसे डबल कर लेंगे। डबल करके अब हम इसको बंद करेंगे, एक फंदा उधर से लेंगे, एक इधर से, तो हम इसको बंद कर लेंगे, ऐसे बाइंड करेंगे। जैसे अंगूठे को किया था वैसे ही हमने पैर की उंगलियों को बाइंड करना है। ये देखिए हमने बंद कर दिया है, थोड़ा सा थ्रेड लंबा छोड़ लिया है सिलाई के लिए, ऐसे इसको भी हम, जे ऐसे उल्टे ही बंद होते हैं ना, ऐसे अंगूठा और जे पैर, तो फिर हम इसको सीधा करते हैं, लेकिन पहले हम सिलाई करेंगे। वैसे ही हम आपको सीधा करके बता रहे हैं ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी जहाँ तक सिलाई करेंगे, पैर की जे देखिए शेप, और इस अंगूठे की भी हम जे वाली सिलाई करेंगे। हम आपको दिखाते हैं कैसे करनी है, इसको जहाँ तक, इसको जहाँ तक, अंगूठे और पैर की सिलाई करेंगे। उसके बाद हम जे वाली सिलाई करेंगे, जितनी हमें पैर बंद चाहिए और जितना खुला चाहिए उतना खुला रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सिलाई करेंगे, इसको आपस में सिलाई करेंगे, तो अंगूठे की सिलाई करेंगे, वो हम आपको दिखा देते हैं। तो हम सुई लेंगे और इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए हम चेन को पकड़कर सिलाई करेंगे, इधर वाली चेन और इधर वाली, बस ऐसे सिंपल सी सिलाई कर देंगे। दोनों तरफ की चेन लेते हुए सिलाई कर देंगे, जहाँ तक सिलाई करके दिखाते हैं। अब हम अंगूठे की सिलाई करेंगे, जहाँ से लेके जहाँ उल्टा है वहाँ तक अंगूठे को हम सिल देंगे, चेन से चेन लेकर सिलाई करेंगे, इधर वाली चेन उधर वाली, दोनों पीस को पकड़ेंगे और सिल देंगे। जहां तक सिलें, जहां तक इस थ्रेड को हम जहां पे ही पक्का करके छोड़ देंगे इस थ्रेड को। अब हम पैर वाला जो है, उंगलियों वाला पीस, उसकी सिलाई करेंगे, उसकी सिलाई हम जहाँ तक करेंगे, इसको भी हम यहाँ जो उल्टे बुने थे ना, उल्टी लाइन, वहाँ से वहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे, जैसे हमने अंगूठे की है ऐसे ही इधर वाली भी करेंगे। चेन से चेन को पकड़कर जहां हम इस थ्रेड को इस थ्रेड से बाइंड कर देंगे ऐसे, बाइंड कर दिया। अब हम उतना पीस छोड़ेंगे जितना हमारा पैर इजीली इसमें चला जाए, तो बाकी को हम सिल दें ऐसे, बाकी की हम सिलाई करेंगे। अगर आपने
उल्टे फंदे को उल्टे से मिलाकर सिलना है तो हम सीधी तरफ से सिलाई करेंगे। ये देखिए, तो सीधी तरफ से हम कैसे सिलाई करेंगे वो दिखाते हैं, क्योंकि जब उल्टे को उल्टे से सिलाई करनी होती है तो हम क्या करते हैं, जे वाला पीस, जे बुना हुआ लेते हैं और इधर वाला आपस में सिलते हैं तो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है। जे इसके साथ है, हाँ। अब हम जे वाला पीस लेंगे और इधर वाला भी, तो ऐसे एक दूसरे के साथ सिलाई करेंगे। तो कितनी लाइनों तक का हमने सिलना है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 और 13, 13 लाइनों तक हमने सिलाई करनी है। तो हम 13 लाइनों की सिलाई करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बाकी को हम जहाँ पक्का करके बाकी को हम इसी में एडजस्ट कर देंगे और फिर काट देंगे, जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको काट देंगे। जो हमारा जे वाला भी एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको भी हम बीच में ही कवर कर देंगे और अच्छे से कवर कर देंगे। तो फिर हम इसको सीधा करेंगे ऐसे, ये देखिए। ये देखिए, ये अंगूठा है और एक्स्ट्रा थ्रेड हम काट देंगे और ये एड़ी है और ये हमने सिलाई की थी और जहाँ से हम पैर को डालेंगे तो ये बनकर बिल्कुल ऐसी ही दोनों अंगूठे। ये देखिए, इधर भी अंगूठा है इधर भी। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी पैर हम पहले बुनते हैं उसका अंगूठा आप किसी तरफ भी रख लीजिए। जब जब इसको बुनेंगे तो इधर रख लीजिए, उसके बाद जब दूजा बुनना है तो उसको आपने ध्यान से देखना है कि हमने अंगूठा किस साइड रखना है। बस आप पैर में एक बार लगा के भी देख सकते हैं कि अंगूठा किस तरफ रखना है, तो उसी हिसाब से ही आप इसको बनाइए। तो हम इसको पैर में डालकर दिखाते हैं। जी देखिए, इसको हम पैर में डाल लेंगे, जो अभी बनाई है हमने, जी बनाई है, जहाँ से हम इसको पैर में डालेंगे ऐसे। तो बनकर ये बहुत सुंदर लगती है, जब बन जाती है ना तो ऐसे आती है। ये 5 नंबर वाले को बड़ी आसानी से आ जाती है, 7 नंबर वाले के लिए हम और बनाएंगे। 7 नंबर जो होता है उसके लिए और बना देंगे। ये देखिए, तो ऐसे ही आपने बनानी है। ये अंगूठे वाली सॉक्स है, ये देखिए, अभी ये टाइट है, मतलब अच्छे से फिटिंग है। थोड़ी जब हम पहनना शुरू करते हैं तो ये थोड़ी सी खुलनी भी शुरू हो जाती है, तो हम इसी में ही पैर को नाप कर आपको बता देते हैं। ये देखिए, 8.5 इंच, मतलब टोटल 9 इंच बनती है। 9 इंच इसकी गुलाई है, चाहे आप जहाँ से, और इसकी जो लेंथ है वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए, अंगूठे से लेके जहाँ तक, ये देखिए 10 इंच, क्योंकि ये 5 नंबर का पैर है, हमें 5 नंबर जूता आता है, तो इस हिसाब से ये बनकर रेडी होती है। तो आप अपने लिए बनाइए, अपने फैमिली के लिए बनाइए, जिसको बुनना आता है वो बुनिए, अपनी मम्मी के लिए, अपनी सास के लिए, अपनी बहन के लिए आप बनाकर इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपने बनाना है। तो थैंक यू, आपने हमें देखा, और अगर आपको ये पसंद है, अच्छी लगी हो, आप बनाना चाहते हो, तो हमें सब्सक्राइब करो और बेल के बटन को दबाओ। थैंक यू वेरी मच।